लव जिहाद पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए ऐलान किया था कि इस पर कानून बनाया जाएगा। इसके बाद बीजेपी शासित दूसरे राज्यों जैसे मध्य प्रदेश में भी लव जिहाद पर कानून बनाने की बात कही गई है। जहां बीजेपी लव जिहाद के बढ़ते मामले को रोकने के लिए सख्त कदम उठा रही है, वहीं कांग्रेस शिवसेना समेत दूसरे दल लव जिहाद पर खामोश हैं। राजस्थान में भी लव जिहाद के मामले सामने आने के बाद भी गहलोत सरकार चुप है। वहीं महाराष्ट्र में शिवसेना और उद्धव सरकार भी लव जिहाद को लेकर चुप्पी साधे हुए है। महाराष्ट्र में विपक्ष ने लव जिहाद के विरुद्ध कानून बनाने के लिए विधानसभा में प्रस्ताव लाने की बात कह रही है, जबकि शिवसेना की सहयोगी कांग्रेस को बीजेपी की ये बात रास नहीं आ रही है। बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने कहा है कि महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार को भी ऐसा ही कानून राज्य में बनाना चाहिए। हालांकि बीजेपी के विधानसभा में प्रस्ताव लाने की बात पर शिवसेना खामोश है, जबकि राज्य में उसकी सहयोगी कांग्रेस और एनसीपी की बेचैनी बढ़ने लगी है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री असलम शेख ने सुमैया पर पलटवार किया है। असलम शेख ने कहा है कि महाराष्ट्र में ऐसे कानून की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि इन सब के बीच शिवसेना राज्य में बुरी तरह फंस गई है, क्योंकि एक समय शिवसेना लव जिहाद पर कानून बनाने की बात कहती थी, लेकिन अब बीजेपी द्वारा विधानसभा में लव जिहाद के विरुद्ध कानून बनाने का प्रस्ताव लाने पर अगर शिवसेना बीजेपी का साथ देती है तो उसे सत्ता में अपने साथियों कांग्रेस और एनसीपी का विरोध सहना पड़ेगा। वहीं अगर साथ नहीं देती है तो महाराष्ट्र के हिंदू वोट बैंक के सामने उसकी छवि खराब होगी। ऐसे में देखना होगा उद्धव ठाकरे लव जिहाद पर कानून बनाने को लेकर क्या फैसला लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।